जिसकी डिस्क्रिप्शन क्या है। ऐसे साइड इफेक्टिव डिसऑर्डर आर कैरेक्टराइज बाय अनरियलिस्टिक एक्सट्रीम्स ऑफ इमोशंस। ठीक है, अब ये क्या डिसऑर्डर है? एंग्जाइटी डिसऑर्डर किसे कैरेक्टराइज कर रहा है? अनरियलिस्टिक, ठीक है, जो कि रियल नहीं है, एक्सट्रीम ऑफ इमोशंस, इसमें इमोशंस की एक्सट्रीमनेस आ जाती है, डिप्रेशन और इल्यूशंस मतलब मैन में आ जाता है। The anxiety disorders are characterized by unrealistic, unfounded fear and anxiety. ठीक है, anxiety disorder क्या है? जो चीज़ मौजूद है ही नहीं और पाई जा ही नहीं रही है, उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा डर और anxiety। ठीक है, fear क्या होता है? fear डर होता है, anxiety होती है future को लेके कि जो चीज़ हम फ्यूचर के बारे में सोच ही जाते हैं, लाइक ऐसा है तो ऐसा होगा, आगे मेरे साथ क्या होगा, मैं अगर ऐसी हूँ तो नेक्स्ट जाके लाइफ में क्या होगा। फॉर एग्जांपल आजकल की लड़कियों की जो है एंग्जाइटी मतलब मोस्टली शादी से पहले होती है कि शादी के बाद क्या होगा, यहाँ भी स्ट्रगल लाइफ स्पेंड हो रही है, बाद में क्या होगा, ऑल एंड ऑल किसी भी चीज़ की एंग्जाइटी हो सकती है, अनरियलिस्टिक है या अनफाउंडेड है, ठीक है, क्योंकि पाई ही नहीं जा रही। दिस सेक्शन डिस्कस टू ऑफ द एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स दैट अपीयर टू हैव बायोलॉजिकल काउजेज। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं दो एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स के जो कि अपेयर होते हैं किसकी वजह से, बायोलॉजिकल काउजेज की वजह से मतलब जेनेटिकली। ठीक है, कौन कौन सी हैं? वो है पैनिक डिसऑर्डर एंड ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर OCD। द काउजेज ऑफ अदर एंगजाइटी डिसऑर्डर सच एज जनरलाइज एंगजाइटी डिसऑर्डर एंड फोबिक डिसऑर्डर सीम्स टू बी सिमिलर टू डोज ऑफ पैनिक डिसऑर्डर, सो दे वी डिस्कस नॉट बी डिस्कस हियर। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो जनरलाइज एंगजाइटी डिसऑर्डर है और फोबिक डिसऑर्डर है उनको वो सिमिलर है पैनिक डिसऑर्डर से, सो दैट्स वाई यहाँ पे उन डिसऑर्डर्स को सेपरेट डिस्कस नहीं किया जा रहा। ठीक है जी, अच्छा अब यहाँ पे भी डेफिनेशंस लिखी हैं एंगजाइटी डिसऑर्डर की। एंगजाइटी डिसऑर्डर आर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, ये एक साइकिल से रिलेटेड है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, करेक्टराइज करता है कि इसे टेंशन से ओवर एक्टिविटी हो जाती है ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की, एक्सपेक्टेशंस ऑफ एन इम्पेंडिंग डिजास्टर एंड कंटिन्यूस विजिलेंस फॉर डेंजर। ठीक है जी, ये हमने देखे एंग्जाइटी डिसऑर्डर से अनरियलिस्टिक अनफाउंडेड फियर होता है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम बात करने जा रहे हैं पैनिक डिसऑर्डर की तरफ आते हैं हम। डिस्क्रिप्शन में क्या है? पीपल विद पैनिक डिसऑर्डर सफर फ्रॉम एपिसोडिक अटैक्स ऑफ एक्यूट एंजाइटी, जिनको मतलब पैनिक डिसऑर्डर पैनिक अटैक्स आते हैं उसको, ठीक है, एपिसोडिक अटैक्स आते हैं, पीरियड्स ऑफ एक्यूट एंड अनरिमिटिंग टेरर दैट ग्रिप देम फॉर वेरिएबल्स लेंथ ऑफ टाइम for a second the disorder usually has its onset in young adulthood. ठीक है, इसका onset है young adulthood में, women appear to be about 2.5 times more likely than men. अच्छा जी, women's में ज़्यादा होता है panic disorders than men से, ठीक है, वुमेंस में 2.5 टाइम्स ज़्यादा है। अच्छा, अब कहते हैं बेसिक सिम्टम्स क्या है पैनिक डिसऑर्डर्स के। द बेसिक सिम्टम्स ऑफ पैनिक डिसऑर्डर अपीयर टू बी यूनिवर्सल, फॉर एग्जांपल दी सिम्टम्स आर सिमिलर इन रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। पैनिक अटैक्स इंक्लूड्स मैनी फिजिकल सिम्टम्स, ठीक है, अब पैनिक अटैक्स में कौन कौन से फिजिकल सिम्टम्स आ जाते हैं? बहुत से फिजिकल सिम्टम्स आते हैं जैसे कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है, सांस कम होती है, सांस कम आती है, ठीक है, स्लो हो जाती है, उसके बाद क्लैमी स्वीट, पसीना आना,
इरेगुलरिटीज इन हार्ट बीट, इरेगुलर हार्ट बीट हो जाती है, डिजीनेस, चक्कर आती हैं, फेटनेस एंड फीलिंग्स ऑफ अनरियलिटी. द विक्टिम ऑफ पैनिक अटैक ऑफन फील दैट ही और शी इज गोइंग टू डाई. ठीक है, जो पैनिक, जिसको पैनिक अटैक आ रहा होता है, वो क्या उसको लग रहा होता है कि वो मरने लगा है या मरने जा रहा है. एंग्जाइटी इज़ ए नॉर्मल रिएक्शन टू मैनी स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ. ठीक है, एंग्जाइटी एक नॉर्मल सा रिएक्शन है बहुत सी स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ के, एंड नन ऑफ अस इज कम्प्लीटली फ्रॉम इट. कोई भी यहाँ पे विदाउट एंग्जाइटी नहीं होगा. एवरी वन हैव दिस वन, बिकॉज हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई स्ट्रेस, कोई ना कोई स्ट्रेस या टेंशन जरूर होती है, जिसकी वजह से जो है वो एंग्जाइटी हर इंसान को होती है, नॉर्मल इंसान को भी होती है. अब जैसे कि स्टूडेंट को ले लेते हैं, स्टूडेंट को एंग्जाइटी होती होगी अबाउट उसके एग्ज़ाम्स को लेके. ठीक है जी, उसके बाद जैसे अब हम ऐसे बैठे हैं, ड्रेस स्टिच करना है, तो हम कहते हैं अच्छा ये वाला ड्रेस स्टिच करना है, इसके साथ ये वाली लगेगी तो कैसे रहेगी, दैट इज़ ऑल्सो एंग्जाइटी. ठीक है, तो हर इंसान को एंग्जाइटी होती है. इनफैक्ट एंग्जाइटी इज अनडाउटफुली यूजफुल इन काउजिंग अस टू बी मोर अलर्ट एंड टू टेक इम्पोर्टेंट थिंग सीरियसली. ठीक है, अब यहाँ पे बड़ी मजे की लाइन उन्होंने बताई है. वो कहते हैं दर हकीकत एंग्जाइटी जो है ना यूज़फुल है, कि इसमें कि एंग्जाइटी जो है वो हमें अलर्ट करती है कि हम जो है अपनी मतलब कुछ और चीज़ों का हम, फॉर एग्ज़ाम्पल जब हमें एग्ज़ाम की एंग्जाइटी होती है, एग्ज़ाम्पल से समझाते हैं आपको, जब हमें एग्ज़ाम की एंग्जाइटी होती है तो फिर हम क्या करते हैं, एग्ज़ाम की एंग्जाइटी लेंगे, उसके बारे में टेंशन लेंगे कि सुबह एग्ज़ाम है जैसे, तो फिर हम उसको प्रिपेयर करेंगे, उसकी तैयारी करेंगे. ठीक है, इस तरह से नो डाउट कि एंग्जाइटी जो है वो हमें सीरियस इंपॉर्टेंट थिंग्स जो है उसको सीरियसली देखने में यूज़फुल होती है, कहीं ना कहीं हमारी सक्सेस होती है. ठीक है, एंग्जाइटी पॉजिटिव पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाती है. However, the anxiety that we all feel from time to time produces different from the intense fear and terror by person get by. अच्छा जी, तो यहाँ तक हमने देख लिया anxiety disorder की definitions, उसके बाद panic attacks का थोड़ा सा पढ़ लिया. अब panic attack को हम next further discuss करते हैं next video में. आज की video में इतना ही है आपसे.